नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं ध्वनि न्यूज़ द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, आजकल ये काफी ट्रेंड में भी चल रहा है, लेकिन आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इस पर देखिए रिपोर्ट। साल 2021 की शुरुआत ने क्रिप्टो करेंसी के बाजार में जबरदस्त उफान देखा। इस साल क्रिप्टो करेंसी ने जबरदस्त तरीके से निवेशक खींचे हैं। साल की शुरुआत में बड़ी संख्या में क्रिप्टो इकोसिस्टम से नए निवेशक जुड़े, हालांकि उनका रुख थोड़ा सा सजग जरूर था। बाजार ने शुरुआत में उन्हें तगड़ा सा रिटर्न दिया, लेकिन अप्रैल के अंत और मई के शुरुआती हफ्तों में बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ, उससे बहुत से निवेशकों का निवेश साफ हो गया। ये गिरावट कितनी बड़ी थी, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $64,000 यानी लगभग 14.14 लाख के लेवल से गिरकर $31,000 यानी लगभग 22.8 लाख पर आ गई है। हालांकि इसके बाद सुधार भी देखा गया, लेकिन वैलेटिलिटी यानी अस्थिरता बनी हुई है। क्रिप्टो करेंसी इतनी अस्थिर क्यों है? इस सवाल का एक सीधा सा जवाब ये हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार अब भी अपने बिल्कुल शुरुआती स्तर में है। एक करेंसी और निवेशक के माध्यम के रूप में अभी इसकी शुरुआत हो रही है। जल्द ही पैसे बनाने की धुन में निवेशक अपने पैसे के साथ प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कैसे फ्लक्चुएट होती हैं और क्या वो खुद इनकी कीमतों पर कोई असर डाल सकते हैं या नहीं। बिटकॉइन के उदाहरण से समझिए, इसकी कीमतों में जबरदस्त तरीके का मूवमेंट दिखाई देता है। इस साल की शुरुआत में ये लगभग 30,000 यानी लगभग 22.9 लाख के नीचे चल रहा था, लेकिन फरवरी में ये चढ़ने लगा और अप्रैल में इसका दुगना हो गया। हालांकि उसी महीने के अंत में ये जनवरी के अपने स्तर पर पहुंच गया। जून में इसने रिकवरी देखी और अगस्त में ये फिर $50,000 यानी लगभग 33.83 लाख को पार कर गया। हालांकि यहां आने के बाद इसमें फिर से गिरावट देखी गई। दूसरी क्रिप्टो करेंसी के साथ भी कुछ कुछ यही कहानी होती है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर कुछ लिमिट भी होती है। बिटकॉइन को डेवलप करते वक्त ही इनके प्रोटोकॉल में तय कर दिया जाता है कि दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन यानी जनरेट किए जाएंगे। ऐसे में जब ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्री से जुड़ेंगे तो कॉइन्स की उपलब्धता उतनी कम होती जाएगी, जिससे कि उसकी कीमतें ऊपर चढ़ेंगी। तो आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ध्वनि न्यूज़ द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।